हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉडी बिल्डिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आदित्य ठाकुर और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक एक्सरसाइज के बारे में जो कि है जोटमन कर्ल। और ये वैसे मैंने नई एक्सरसाइज क्यों बोली, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, वैसे ये बहुत ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, लेकिन आप लोग इसको मोस्टली नहीं करते हो इसलिए आपके लिए नई एक्सरसाइज है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बाइसेप्स प्लस फोरआर्म्स दोनों में गेन देगी, दोनों एक साथ आप कर सकते हो और बहुत अच्छा पंप आएगा इससे। तो मैंने अब तक अपनी वीडियोस में किसी भी वीडियोस में एक्सरसाइज करते हुए खुद को नहीं दिखाया है ना आपको बताया है, लेकिन आगे चल के ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं एक्सरसाइज करके आपको बताऊंगा, नई नई एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में डीप डिस्कस करेंगे, कितने वेरिएशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेन नोटिफिकेशन मिलती रहे और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे भी नहीं लगने। इसके साथ यदि आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो एक मेरा दूसरा चैनल है, उसमें हम लोग बात करते हैं अदर चीज़ों के बारे में, कुछ सोशल चीज़ों के बारे में, मनी के बारे में, कैसे मनी बनाए, कैसे सक्सेस बनाए, सक्सेस के लिए मोटिवेशन के लिए वो बेस्ट चैनल है गाइस मेरे हिसाब से। तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं कुछ मुझसे पर्सनली, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज जोटमन कर्ल। तो अब क्या करना होता है, पहले आपने इसको ऐसे ऊपर कर लेना है और उसके बाद रोटेट यू एंड देन वो सेम हियर रोटेट एंड डाउन, ऊपर जैसे आप डंबल कर करते हो वैसे, एंड देन रोटेट एंड देन डाउन रोटेट डाउन स्क्वीज। अब यहाँ आपको स्क्वीज करना है जितना आप कर सको, उसके बाद फोर आर्म रोटेट एंड देन डाउन एंड ओवरऑल ये देखिए तो गैस ये बिल्कुल सिंपल था। एक बार हम लोग फिर से देख रहे हैं इसको, डंबल कर्ल रोटेट एंड डाउन कर्ल। अब आपको नीचे नहीं रोटेट करना है, आपको यहीं पे रोटेट करना है, यूं कलाई को रोटेट करिए और नीचे ले जाइए। तो अब मेरे बाइसेप्स पंप हो चुकी है और आप ये देख रहे हैं आप पंप, ये देखिए ये जो आप देख सकते हो इस समय बाइसेप्स में मेरी एक अच्छा खासा पंप आया है और उसके साथ ही फोर आर्म्स में भी मैं फील कर सकता हूँ वो पंप, वही पंप जो कि मैं बाइसेप्स में फील कर रहा हूँ। तो इससे होता क्या है कि ये आप दोनों चीज़ पर, अपनी बाइसेप्स पर और अपने फोर आर्म्स पर, दोनों पर आप एक साथ वर्क कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से उठाते हैं डंबल को तो ये आपकी बाइसेप्स चलती है, देन आप जब रोटेट करते हैं तो ये रोटेट का जो मोशन है, और रोटेट के बाद जब आप नीचे ले जाते हैं तो वो आपकी फोर आर्म्स चलती है। तो इस तरीके से गाइस ये जो जोटमन कर्ल थी एक ओल्ड एक्सरसाइज है और ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। पिछले ज़माने की जब अर्नॉन लोग होते थे वो एक्सरसाइज करते थे तो उस टाइम की बात है ये, उस टाइम बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइजों में एक थी। आजकल इसको लोग उतना नहीं करते, लेकिन इसको करने के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ आपको स्लो मोशन रखना है। आप इस तरीके से जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, इससे आपको फील नहीं आएगा। तो पहले आप एक दो सेट अपने जो बाइसेप्स के लगाना चाहते हैं उसको लगा लीजिए, जब आप सेट लगा लेंगे डंबल के उसके बाद आप दो या तीन सेट इसके कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा बाइसेप्स पंप मिलेगा, सिर्फ जो कि बाइसेप्स से होता है उससे थोड़ा अलग, और उसके साथ साथ आपको फोरआर्म्स में भी अच्छी फीलिंग आएगी और एक टाइटनेस आएगी फोरआर्म्स के लिए, क्योंकि फोरआर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्म्स का। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वहाँ पर लिंक में जा सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।